वो चोर आ गए हैं। ओए इनको पकड़ना पड़ेगा, ये क्या करने लगे हैं? वो देखो, ओए कौन हो तुम? ओए क्या कर रहे हो? पकड़ो इनको, पकड़ो 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 पकड़ो, ये कौन आ गया? पकड़ो पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो। वो भी बेचैन हुआ पड़ा, ये देखें। ओए कौन थे, कौन थे वो आए हुए? ओए परेशान है, फुल परेशान है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई नहीं लेके जाता तुम्हें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शाबाश, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे जो खास बात है ना, ये देखें, ये हमारा डॉग है, ये बैठा तो हुआ है मगर ये फुल गुस्से में है। ये मुझे गुस्से वाली नजरों से ना देख रहा है, कह रहा है कहाँ हो, चलें जल्दी जल्दी चलें बोतल ढूंढने। तो मैंने कहा यार अभी आए हैं, सब्र तो करो, अभी चलते हैं हम, रुको अभी जरा। हाँ ये देखो सामान निकाल के दिखा रहा है भाई, अभी चलते हैं। पहले मैं आज अपने पेट्स को पानी, दाना, बाजरा सब कुछ डाल लूं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ अपनी मुर्गियों को ना बाहर निकालूं। एक मुर्गी को मैंने बाहर निकाला है, ये देखे ये आई हुई है, मगर मैं अब सोच रहा हूँ आज सारी मुर्गियों को ना बाहर निकालूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। वो भाई कह रहे हैं कि आप अपनी मुर्गियां, आप अपने कबूतर वगैरह सारे बाहर निकाला करें, इनको बाहर डाला करें। तो मैं सोच रहा हूँ आज सिर्फ ना मुर्गियां निकाल लेता हूँ, क्योंकि आज फाद भी नहीं मिला। आज एक तो इतनी बारिश हुई है, फिर जगह जगह पानी था, मैं अकेला आया हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। तो मैंने सोचा सिर्फ आज पहले ना मुर्गियां निकालता हूँ। हाँ भाई क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं हमें बाहर कब निकालेंगे। तो आज इनकी जो दुआ है ना, समझ लो पूरी होगी, आज ये बाहर निकलेंगे। और दोस्तों ये मुर्गियां जो है ना आपस में लड़ रही है, वो कह रही पहले मैंने बाहर निकलना है, पहले मैंने बाहर निकलना है। मगर लड़ो ना, ये देखो ये देखो, ओए लड़ो ना, ये देखे मैं अब इनको निकाल, आ जाओ आ जाओ सारे बाहर आ जाओ, ये देखो आ जाओ आ जाओ, भागो 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 भागो, चलो। ये देखें बाहर आते ही ना सबसे पहले इनका काम है पानी पीना, और शुक्र है मैंने सबसे पहले पानी ही भरा था, तो ये पानी पी रही हैं। उसके अलावा देखो कुछ पानी पी के ना वापस भी चले गई हैं, वो देखे इन्होंने पानी पी लिया और वापस चलेंगे। मुझे लग रहा है इनका दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने को, पहले कभी थी हमें बाहर निकालो, अब मैंने बाहर निकाल दो, इनका दिल नहीं कर रहा। और बहुत जल्द सारे कबूतरों सुन लो, मैं तुम लोगों को भी बाहर निकालूंगा, बस फाद आ जाए तो फिर मैं निकालूंगा, क्योंकि इतने सारे कबूतरों के पर भी काटने होंगे, फिर इनको बाहर निकालना होगा, मुश्किल है बहुत, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये वाली मुर्गी ना मैं भूल ही गया था निकालना, आ जाओ अभी तुम भी आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो उधर चलो उधर उधर। हाँ यहाँ पानी पियो, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखें ये पहली बार बाहर आके पानी पी रही है सारी मिलजुल के, शुक्र है। ये जब अंदर होती है ना केज में तो फिर ये बहुत ज्यादा लड़ती हैं, मगर आज ये अंदर है नहीं है बाहर है, तो कितने मिलजुल के देखे पानी पी रही हैं। इस मुर्गी को पता नहीं क्या है, ये नहीं उनके साथ मिल रही है देखे। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ जो हमारा मुर्गा ना इसको भी बाहर निकाल देता हूँ, ये बेचारा अंदर अकेला क्या करेगा। ये देखे ये भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, आ जाओ भी आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ तुमने बाहर आना है, वो देखो हमारी मोरनी भी बाहर आ गई है, मुर्गा भी बाहर आ गया, और मोर हमारा डर रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। ये सारे के सारे पहले पेट्स आज बाहर निकाल दिए हैं, मैंने कहा चलो आज एंजॉय करें, तो पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने इन सबको ना बाहर निकाला है, तो उम्मीद करता हूँ ये लड़ेंगे नहीं। ये देखें ये देखें ये हमारा मोर है, और वो हमारी मोरनी वो चले गई है, उसके पीछे पीछे ये देखे मोर भी चला गया, सब मुर्गियों से डर गए हैं। हाँ भी मुर्गे भाई तुम इधर क्यों आए हो, चलो इधर से इधर चलो चलो चलो, जहाँ से आ रहे हैं ना उधर रहो आप, चलो हाँ इधर मिलजुल के रहो, शाबाश। तो गाइस मैं आपको ना एक मजे का सीन दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा डॉग जो है ना, ये देखें ये देख रहा है मुझे कितने गौर से गुस्से से देख रहा है, ये देखें ये सोच रहा है कि भाई ये मुझे लेके नहीं जा रहे जू के अंदर, मैं इनको बोतल ढूंढ के दूँ और ये यहाँ बैठे हुए हैं, मगर इसको क्या पता ये पेट्स हमारे बहुत जरूरी हैं, सबसे जरूरी ये हैं, क्योंकि ये पेट्स हैं तो हम हैं, अगर ये खाएं पिएंगे नहीं तो फिर हमें मजा नहीं आएगा ना, तो इसलिए पहले खा पी लें, जब इनका फुल पेट भर जाएगा फिर हम लेके जाएंगे इसको। तो दोस्तों ये देखें मैंने जैसे दरवाजा खोला ना, बाहर आने के लिए ना बेचैन हो गए हैं, मेरा फुल दिल कर रहा है मैं इनको बाहर निकालूं, ये भाई मैं अभी थोड़ा सा पीछे हटूंगा फौरन बाहर आएंगे, वो हो गया सीन हो गया, मेरा एक कबूतर ना उड़ के बाहर आ गया, ये देखें अब मुझे टेंशन हो रही है, मैंने तो उसके पर भी नहीं बांधा, इसको कैसे पकड़ूं, हूं भी अकेला, वो देखें वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों मैं अब इसको पकड़ने जा रहा हूँ, दुआ करें आप पकड़ा जाए, इसके तो पर भी खुले पड़े हैं, मैं यही मुझे डर था और वही हो गया। गाइस मैंने पकड़ लिया, शुक्र है, वरना ये भी उड़ जाता, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता मुझे, तो मैं कामयाब हो गया। मैं इसी वजह से ना कबूतर नहीं खोल रहा था, मगर मेरा दिल कर रहा था, मैं जैसे केज खोला ये उड़ के बाहर आ गया,
तो मैं इसको अब जल्दी से अंदर बंद करता हूँ ताकि और ना कोई बाहर आ जाए। तो फाइनली गाइज मैं इसको छोड़ने लगा हूँ, ये अब अंदर चलेगी, खुश होगी। और ये देखें दोस्तों, इसने फीमेल ने ना अपना घर बना लिया है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ना अंडे बच्चे देगी। देखिए बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ अब इन सबको ना बंद कर दूं क्योंकि काफी देर हो गई है, इन्होंने पानी भी पी लिया है और सब कुछ खा पू भी लिया है। तो ये अख्तर भी अब आ गया, पता नहीं कहाँ से आया है। आप ही अख्तर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत से ठीक है? क्या हो गया इसको? सलाम का जवाब तो दिया, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं है। हेलो, ओ जिंदा हो भाई। ओए ओए ओए, ये देखें गाइस इन दोनों का फोकस, ये देखें ये इसकी तरफ ही देख रहा है। ओ भाई कोई रूह तो नहीं आ गई तेरे अंदर कोई? ओ अख्तर कहाँ था, इतने दिन घूम रहा है तू, 3-4 दिन से घूम है भाई? मैं एक मिशन पे गया हुआ था। हैं? अरे एक बात तो बताओ, वो टर्की बर्ड्स कहाँ पर हैं? मुझे क्या पता, 4 दिन थे आप आ रहे हो। वो जिस दिन तुम गुम हुए ना, उस दिन से टर्की बर्ड्स गुम हुए पड़े हैं यार। दोस्तों हम तो समझ रहे थे अख्तर के पास है, मगर अख्तर ने तो सीधा जवाब चिट्टा जवाब दे दिया मेरे पास है नहीं। अब हम क्या करें, टर्की बर्ड्स तो हमारे गुम हो गए। तो मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, अख्तर ने कुछ सही तरह से बात भी नहीं की और उसके बाद वो ना बहुत अजीब तरीके से मेरे साथ बात कर रहा था ना वो, मगर मुझे ना शक पड़ गया अख्तर के ऊपर कि यार कुछ ना कुछ रोला है सही। तो मैं सोच रहा हूँ आज जो है ना अपने स्टॉक को ना कहीं ना लेके जाऊं। ये देखे कितने आराम से बैठा हुआ, ये देखे देख मेरी तरफ ही रहा, ये देखे दोस्तों इसकी आंखें खुली पड़ी है, मेरी तरफ ही देख रहा है। मगर मैं आज इसको ना कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं आज इधर ही रहूंगा, ऐसे छुप इधर ही छुप जाऊंगा और फिर ना इंतजार करूंगा आज शायद चोर फिर आए। मुझे अक्षर पे ना फुल शक हो गया दोस्तों, इसने मेरे टर्की बर्ड्स उठाए हैं। अब देखते हैं, अब मैं रात होने का इंतजार करता हूँ। तो फाइनली गाइस रात हो गई है और मैं अब इंतजार में बैठा हूँ कि कब वो चोर आए, मैं आज उसको पकड़ के ही रहूंगा। और भाई तुम आज यहीं बैठे रहो, हम कल जाएंगे बोतल ढूंढने, ठीक है ना? हाँ बात, तुम बैठे रहो। तो दोस्तों मैंने अपनी ना जगह भी सोच ली है, मैंने कहाँ बैठना है, मैंने बैठना है ये वाली जगह पर, मैं यहाँ छुप के बैठूंगा और जैसे चोर आएगा ना मैं आज दोनों को पकड़ लूंगा, एक आए दो आए जितने भी आए मैं सबको पकड़ लूंगा। ये देखे मैं यहाँ छुप के बैठ जाऊंगा ऐसे यहाँ पर, ये देखे। और यहाँ से ना ये देखे ये दरवाजा भी बिल्कुल नजर आएगा साफ, और यहाँ पे मेरा डॉग भी साफ नजर आएगा। और उसके अलावा गाइस मैं ना दरवाजा खोल के आऊंगा ताकि चोर को आसानी हो, मगर वो एक चीज ऐसी है जैसे चोर दरवाजे के अंदर इंटर होगा ना मेरा अलार्म बज पड़ेगा। मैंने एक सिस्टम लगवाया हुआ है कि अगर वो मैं ऑन करके सो बैठा हूंगा ना तो वो कोई आएगा ना अलार्म बजेगा, मुझे पता चल जाएगा कि चोर अंदर आ रहा है या कोई नया बंदा कोई भी आ रहा है। तो रात के टाइम तो आपको पता है सिर्फ चोर ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, वो इसलिए मैंने अलार्म लगा रहा हूँ ताकि अगर मैं सो भी जाऊं, पहली बात तो मैं सोता नहीं हूँ, अगर मैं सो गया तो कोई बंदा अंदर आएगा तो अलार्म बज जाएगा, मेरी आंख खुल जाएगी। तो गाइस रात ना बहुत ज्यादा हो गई है मगर मैं आज सोऊंगा नहीं, अभी के मुझे नींद आ रही है मगर मैंने सोना बिल्कुल भी नहीं है। आज मुझे उम्मीद भी है और शक भी है कि वो चोर जरूर आएंगे और कुछ ना कुछ चोरी करेंगे, और सबसे खास बात जो सामरी जादूगर ने ढोक भेजा ना कहीं ये ना चोरी करने आए। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हो गया है, ये देखिए दोस्तों 12:13 हो गए हैं, है आधी रात हो गई है मगर मैं आज बैठा हुआ हूँ। अलार्म बज गया, ओए दोस्तों अलार्म बज गया, वो देखो वो चोर आ गए हैं, ओए इनको पकड़ना पड़ेगा, ये क्या करने लगे हैं वो देखो। ओए कौन हो तुम, ओए क्या कर रहे हो, पकड़ो इनको, पकड़ो 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 पकड़ो, ये कौन आ गया, पकड़ो पकड़ो इनको, पकड़ो 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 पकड़ो, कहाँ गए कहाँ गए, एक इधर गया दोस्तों, इधर गया है, इधर गया, कहाँ गया, वो जा रहा, भागो भागो पकड़ो पकड़ो वो देखो, दोस्तों वहाँ जा रहे हैं चोर, भाग गए हैं, पता नहीं मेरे क्या करने लगे, तो भाग गए हैं, किधर गए हैं किधर गए हैं, ओए इधर भी नहीं है कोई, ओ इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, अब क्या करूं मैं, गुम हो गया एकदम से। दोस्तों वही दो चोर थे, वही दोनों थे जो उस दिन ले गए मेरे टर्की बर्ड्स, आज फिर यही दो चोर आए हैं, मेरा डॉग लेके जाने लगे थे, मगर पता नहीं अब मैं आगे जाऊं कोई खतरा ना हो। दोस्तों मुझे डर लग रहा है, इधर भी कोई नहीं है, देखे पानी पानी खड़ा है, ओए मैं परेशान हो गया दोस्तों क्या करूं, ये देखे इधर भी सारा पानी खड़ा है, आगे सन्नाटा, ये देखिए जंगल है। मैं जाके अपना डॉग देता हूँ, डॉग तो मेरा महफूज है ना, पता नहीं ये कहाँ से चोर मेरे पीछे लग गए हैं। ये देखें दोस्तों मेरा डॉग भी बेचैन हुआ पड़ा, ये देखें वो कौन थे वो आए हुए, वो परेशान है, फुल परेशान है, क्या हुआ, कुछ नहीं कोई नहीं लेके जाता तुम्हें, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ,
शाबाश, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई नहीं, चले गए हैं, चले गए हैं। अरे चोर चले गए, रिलैक्स हो जाओ। हाँ ओए 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 ओए। दोस्तों देख रहे हो, मेरा डॉग जो है ना फुल एग्रेसिव हो गया, गुस्से में आ गया। ओए मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, काम खराब था। दोस्तों शुक्र है चोर भागे हैं, मुझे अब कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा इनका, वरना आज ये मेरा इतना प्यारा डॉग ले जाते। हाँ ये देखें दोस्तों। तो बस गाइस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करने लगा हूँ, मगर मुझे अफसोस हो रहा है मैं आज चोर नहीं पकड़ सका, मगर कल जो है ना मैं एक जबरदस्त इंतजाम करके इनको पकड़ूंगा। ये आए तो सही, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो जल्दी से ना मेरे चैनल कसाई व्लॉग्स को ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो कल तक के लिए ना अल्लाह हाफिज। मेरा डॉग अब शुक्र है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, ये देखो। हाँ हाँ हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाओ। हाँ शाबाश।